हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आदित्य L1 करेक्ट्स ट्रेजेक्टरी एज इट मूव्स क्लोजर टू सन। व्हाई हाउ दिस वाज जस्ट अ सेकंड डन। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो चलिए देखते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ऑन संडे अनाउंस दैट इट हैड कैरिड आउट अ ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवियर TCM, ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवियर फॉर आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट टू इंश्योर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन एट द सन्स अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट वन। तो ये L1 पर जा रहा है, लैग्रेंजियन पॉइंट वन पे। द आदित्य L1 इज टू अंडरटेक 110 डे जर्नी थ्रू आउट स्पेस। तो 110 दिन की इसकी जर्नी है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फॉर एन इंडियन स्पेस क्राफ्ट सिंस दी 2013-14 मार्स मिशन। तो ये 2013 का जो मार्स मिशन था उसके बाद सबसे लंबा ये मिशन है। इसरो साइंटिस्ट हैड इंडिकेटेड दैट द TCM, तो TCM क्या हो गया आपका, ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवियर, TCM वुड बी नेसेसरी फॉर आदित्य L1 सून आफ्टर द स्पेस क्राफ्ट बिगेन इट्स जर्नी टुवर्ड्स द L1 पॉइंट ऑन September 19 आफ्टर ऑर्बिटिंग द अर्थ फॉर 17 डेज। अनलाइक लूनर मिशन विच टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू कवर द 384,400 किलोमीटर डिस्टेंस टू द मून, डीप स्पेस मिशन टू मार्स डिस्टेंस ऑफ 225 मिलियन किलोमीटर एंड द लैग्रेंजियन पॉइंट वन डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर टेक्स सेवरल मंथ्स, मार्स अराउंड 11 मंथ्स एंड L1 अराउंड 4 मंथ्स। द लॉन्गर डिस्टेंस रिक्वायर द मिशन टू इनकॉर्पोरेट ट्रेजेक्टरी करेक्शन प्लान यूजिंग ऑर्बिट डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन टू इंश्योर द स्पेस क्राफ्ट रिमेन ऑन द राइट कोर्स टूवर्ड्स इस डेस्टिनेशन। तो देखिए, ये अपने अच्छे सही पाथ पे रहे उसके लिए इसका करेक्शन होना जरूरी है ताकि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। क्योंकि अगर मानिए बहुत लंबा डिस्टेंस आप समझिए यहाँ से यहाँ पे जा रहे किसी पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी गलत कर दें, एक पॉइंट भी आप गलत कर दें, यहाँ से आप देखिए कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर उस पॉइंट पर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो हर पॉइंट पर यहाँ पर करेक्शन होना जरूरी होता है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतना ज़्यादा करेक्शन होगा, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। द मार्स ऑर्बिट मिशन अंडरटेकन बाय इसरो बिटवीन नवंबर 5, 2013 टू September 24, 2014 रिक्वायर 3 TCMs। आप देखिए 3 TCMs आपका हो गया ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवियर, उसमें 3 लगे थे, ऑन नवंबर 14, June 11 एंड September 22। वॉट आर ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवियर, ये होते क्या हैं TCM, ये है क्या। द आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट इज टू बी इंजेक्टेड इन टू एन ऑर्बिट अराउंड L1। फॉर दिस टू बी अचीव द स्पेस क्राफ्ट हैज टू ट्रेवल अ प्लैंड ट्रेजेक्ट्री आफ्टर द ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट वन इंसर्शन मैन्यूवियर ऑन September 19। साइंटिस्ट फाउंड दैट देर कुड बी अ ट्रेजेक्ट्री एरर दैट वुड नीड करेक्शन। तो देखिए, साइंटिस्ट ये नहीं कि हो गया वो चीज़ उसको छोड़ दो, उसके बाद भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देर इज अ प्रोविजन इन द मिशन फॉर sort of maneuver which is called trim maneuver. This has been a part of the mission plan since Chandrayaan 1 2008. For every orbit raising maneuver, we look at what was the orbit it released. If there is something to be done, we have to do it at the earliest, said former ISRO scientist M. Annadurai, who was closely associated with the Chandrayaan 1 and the Mars orbiter mission. In the case of near destination like the moon, the trajectory correction have to be done in the span of a week and for a longer destination as early as possible. तो आप देखिए, जो पास की चीज़ें उसमें हफ्ते दिन लगेंगे, और जो जितना दूर जा रहा है उतना जितना जल्दी कर लो। The Aditya L1 is making a long journey. If there is a small deviation in at the start, then over a month or 3 months there could be implication. जैसा मैंने आपको बताया, आपको यहाँ से यहाँ जाना है और मानिए यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से अगर मानिए थोड़ा सा डेविएट हो गया तो ठीक है वापस से ले आएंगे, या इधर हो गया तो ठीक है यहाँ ले आएंगे। पर अगर ये स्टार्टिंग में अगर मानो डेविएट हो गया, यहाँ से डेविएट हो गया, तो फिर तो ये कहाँ जाएगा नहीं पता। एंड में हो रहा है तो ठीक है ले आ सकते हैं, पर स्टार्टिंग में अगर डेविएट हो गया तो उसको फट से अपने जगह पर लाना है। तो इसीलिए इम्प्लीकेशंस क्या होंगे किसी को नहीं पता, तो ये इसरो साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है। देखिए, यहाँ पर बात क्या आती है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए इंसान को। अगर आप चीज़ ये समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इमेजिनेशन यूज़ करो, आप बॉल फेंक रहे हो, आप
उसको रिलीज ही अगर अपने अलग ट्रेजेक्ट्री पे करोगे तो वो अलग ही जगह जाएगा, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। स्मॉलर करेक्शन इन्वॉल्व फ्रिजिंग ऑफ इंजन ऑन द स्पेस क्राफ्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन विच रिजल्ट इन कंजर्विंग ऑफ फ्यूल, बिगर करेक्शन नीड्स लॉन्गर फायरिंग ऑफ द इंजन्स। वी हैव टू असेस हाउ मच कोरिलेशन इज नीडेड। इट इज़ बिग लाइक असेसिंग द पेट्रोल यू वॉन्ट टू फिल, अन्नादुरई सेड। तो इन्होंने बोला यहाँ पे इंजन बंद करो इंजन और तेजी से फायर करो स्मॉल और ज़्यादा करेक्शन के लिए। वॉट इज ऑर्बिट डेट आदित्य L1 मस्ट अचीव अराउंड द L1 पॉइंट। वेन इट रीचेस L1 पॉइंट अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024, आदित्य L1 विल कैरी आउट अ मनोवियर टू इनेबल इट टू ऑर्बिट अराउंड L1 विच इज़ अ बैलेंस्ड ग्रेविटेशनल लोकेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। द स्पेस क्राफ्ट विल स्पेंड इट्स मिशन लाइफ ऑर्बिटिंग अराउंड L1 इन एन इररेगुलर शेप्ड ऑर्बिट इन अ प्लेन रफली परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड द सन, इसरो सेड। तो ये देखिए, अगर अर्थ और सन इसके बीच में जो लाइन आएगा उसके परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। द L1 ऑर्बिट इज कंसिडर्ड अ चैलेंज टू एक्वायर एंड मेंटेन अ फ्यू कोर्स करेक्शन बाय फायरिंग द इंजन मे बी नीडेड इन द मिशन ऑफ लाइफ ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। इट इज नॉट लाइकली एन ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेटरी बॉडी। देर आर थ्री डायमेंशन टू दिस बिट वाइल द अदर ऑर्बिट्स अराउंड द प्लेनेट आर टू डायमेंशनल। तो यहाँ पे आप देखिए 3D है और बाकी सारे 2D होते हैं, ठीक है। आइदर इक्वेटर और पोलर बोथ द ग्रेविटीज प्ले अ रोल एंड देर इज पुलिंग एंड पुशिंग, इसरो ने ऐसा बताया है। वॉट हैज इसरो परफॉर्म, वेन हैज इसरो परफॉर्म TCM? TCM क्या हो गया आपका, ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मनोवियर। इन द पास्ट द मनोवियर आर रिक्वायर्ड ओनली इन डीप स्पेस मिशन, जब आप ज़्यादा डीप जा रहे हो। द मार्स ऑर्बिटर मिशन विटनेस्ड 3 TCM, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा मार्स वाले मिशन में हमारा 3 हुआ था TCM, 3 करेक्शंस हुए थे। द मनोवियर्स वर कैरीड आउट टू इंश्योर दैट द मार्स ऑर्बिटर अटेन द राइट ट्रेजेक्टरी टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर प्लस और माइनस 60 किलोमीटर फ्रॉम द रेड प्लैनेट। इफ द करेक्शन मनोवियर were not carried out, the spacecraft would have reached a distance of 723 kilometer periapsis, ISRO scientist said the time. अगर देखो 500 किलोमीटर प्लस माइनस 60 जाना था, तो मतलब आप बताओ इन्होंने क्या बोला, 460, अरे प्लस माइनस 60 ना, 440 टू 560 किलोमीटर में जाना था, और अगर यहाँ पे करेक्शन नहीं करते तो चला जाता है 723। तो दूर दूर तक जो हम करना चाह रहे थे क्या हम वो कर पाते, नहीं कर पाते, इसीलिए करेक्शन हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है TCM, ट्रेजेक्ट्री, किधर गया आपका, यहाँ पे है ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मनोवियर। तो TCM हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि TCM हमें क्यों करना है, ठीक है, TCM हमें क्या होता है, क्यों करना है। थर्ड, कहाँ पे यूज़ होता है, डीप स्पेस मिशन में यूज़ होता है, ओके। आप देखिए यहाँ पे थर्ड कहाँ, इंडिया ने कहाँ पे यूज़ किया है, मार्स मिशन में, ठीक है। कहाँ पे यूज़ हुआ था, कब यूज़ हुआ था, 2013 2014। कितनी बार TCM यूज़ हुआ था, 3 times TCM यूज़ हुआ था। फोर्थ, क्यों यूज करते हैं, वाई टू अटेन करेक्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये एक हो गया करेक्ट ऑर्बिट के लिए हम ये करते हैं। और आप देखिए ये चीज़ हो गया, जैसा हमने बोला अगर ज़्यादा लंबा मिशन है तो थोड़ा सा भी एरर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो वही हो गया आपका डीप स्पेस मिशन वाला पॉइंट हो गया ये वाला, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। नियर मिशन स्पेस इसमें ज़रूरत नहीं है, स्मॉल डेविएशन ये मैंने बता दिया आप लोगों को, कंजर्वेशन, हाँ अब देखिए कैसे होता है, स्मॉलर करेक्शन इन्वॉल्व फायरिंग ऑफ इंजन ऑफ स्पेस क्राफ्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर छोटा डिस्टेंस करना है तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा फायर करके करेंगे, और ज़्यादा डिस्टेंस करना है तो बिगर करेक्शन रिक्वायर अ लॉन्गर फायरिंग। तो यहाँ पे जैसे छोटा पुश दे दिए फायर करके तो
देखो ऐसे घूम रहा है, अगर मानो ये गलत बात है, छोटा पुश दे दिए तो वो यहाँ गया, अगर फिर अपने इसमें आने लगा, फिर छोटा पुश दे दिए तो यहाँ चला गया, फिर अपने इसमें आने लगा, फिर छोटा पुश दे दिए तो यहाँ चला गया, तो ये ऐसे होता है। और अगर हम लोग लार्जर बिगर करेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो जैसे गलत हो गया, अब हमें ज़्यादा करेक्शन करना है, तो पुश दे के यहाँ पे पहुँचाएंगे इंजन से, फिर वो अपने इन्फ्लुएंस में आएगा, फिर पुश देंगे फिर चलेगा। और वहाँ पे आप देखो पुश और पुल किसका, ग्रेविटेशन का यूज़ होगा, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप करना पड़ता है। और स्टार्ट करेंगे कम स्मॉल ड्यूरेशन के लिए या लार्जर ड्यूरेशन के लिए, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, बिग करेक्शन के लिए, स्मॉल करेक्शन के लिए। बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना ही था। और मार्स मिशन हो गया, आदित्य L1 पे हमें जाना है, तो वहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या डिस्टेंस रहेगा, अब देखिए हमने पढ़ा परपेंडिकुलर रहेगा, ये अर्थ है ये सन है, उसके बीच में जो L1 पॉइंट है उसके वहाँ पे परपेंडिकुलर ऑर्बिट में आपका आदित्य रहेगा। तो सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।